नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल कब होंगे, अब सिर्फ इस बात को ही जानना बाकी रह गया है। एनडीए में तो शामिल होंगे। देखिए, अब से कुछ देर पहले उनकी मुलाकात हुई है जेपी नड्डा से। आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो निकल के आ रही है वो दिल्ली से निकल के आ रही है। दिल्ली पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा, साथ में माधव आनंद भी मौजूद है उनके साथ, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता है। और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई है अब से कुछ देर पहले। आप समझ सकते हैं, बातें पूरी हो चुकी हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राहें जब जुदा हुई थी जेडीयू से इसी साल फरवरी महीने में, तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, राष्ट्रीय लोक जनता दल, और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार पर अक्सर निशाना साधते भी हैं। अभी हाल ही में उन्होंने ये भी कह दिया कि जो विपक्षी एकजुटता होने वाली है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। यानी कि साफ साफ वो नरेंद्र मोदी के रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ही अगले साल प्रधानमंत्री बनेंगे, उनका कोई विकल्प नहीं है। ये बातें भी उपेंद्र कुशवाहा पहले कह चुके हैं। इससे पहले उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई थी। उस दौरान संजय जायसवाल, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो भी उस वक्त उनके साथ मौजूद थे। नित्यानंद राय भी साथ में मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात जब जेपी नड्डा से हुई है तो अब बस कयास लगाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, इसी महीने यानी कि जून के महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार आना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे हुए हैं कार्यकाल के। उनका कार्यकाल 9 साल का कितना बेहतर रहा, ये बीजेपी के नेता हर गांव में घूम घूम कर बता रहे हैं। जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है कि लोगों से जुड़कर उन्हें बताया जाए कि नरेंद्र मोदी ने देश के लिए कितना कुछ किया है। वहीं जब नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं तो जेपी नड्डा के भी आने की खबर है। जेपी नड्डा भी अलग सभा करेंगे। राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री, उनके भी बिहार आने की खबर है। तो क्या जेपी नड्डा ही एनडीए में फिर वापस शामिल कराएंगे उपेंद्र कुशवाहा? क्या उस मंच पर दिखेंगे, एनडीए में वो शामिल होंगे बहुत जल्द? ये बात तो तय है। आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा को भी जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है। उनके साथ भी अब लगभग 33 सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो उनकी सुरक्षा में रहते हैं। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जब बिहार दौरा कर रहे हैं, बिहार में हर जगह घूम रहे हैं, हाल ही में उन्होंने पूरा बिहार दौरा किया है और लोगों से भी जुड़े हैं, तो समझ सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा बिहार में कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता हैं, इसमें कहाँ कोई शक शुबा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में शामिल कराकर हाल ही में आपने देखा, सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हुए, उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए के साथ। तो सीटें भी कितनी मिलेंगी हम कह नहीं सकते, क्योंकि 14 में भी एनडीए के साथ जब उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े थे तो स्ट्राइक रेट 100% का रहा था और उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री भी बने थे। लेकिन फिर मोह भंग हुआ, महागठबंधन में आए और महागठबंधन के साथ आने के बाद 19 में नतीजा अच्छा नहीं रहा था। फिर नीतीश कुमार के साथ गए, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे। लेकिन नीतीश कुमार से भी जब राहें जुदा हुई, उपेंद्र कुशवाहा अब जब लवकुश की बात हो रही है, बिहार में पिछड़ों को तरजीह देने की बात हो रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता हैं और उनके चेहरे पर कितना वोट एनडीए को मिलेगा तो खैर देखने वाली बात है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल होंगे, ये बात पक्की है, जल्द शामिल होंगे। जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, अमित शाह से भेंट हुई थी, पिछले दिनों घंटों बातचीत हुई और आज भी घंटों की बातचीत में क्या कुछ फलाफल निकला? तारीख क्या तय हो गई? उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में कब जा रहे हैं? ये बात तो तय है, जा रहे हैं, कब जा रहे हैं देखना होगा। क्या जून के महीने में ही शामिल हो जाएंगे? 9 साल का जो स्वर्णिम इतिहास है नरेंद्र मोदी का, क्या उसकी गाथा उपेंद्र कुशवाहा भी मंच से गाएंगे? देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।